और 2024 की जो पहली फ्लाइट जो है आज रवाना हुई है। आज टोटल 3 फ्लाइट है। आज टोटल हजों का ये बार एप्लीकेशन आया, 13,318 एप्लीकेशन आया। उसके अंदर हमारे को इस बार आज का कोटा जो मिला 10,130 पर 2 कोटा मिला है। उसके अंदर और रिमेनिंग बचे हुए थे 3,180 पर 4 बचे हुए थे। उसके अंदर 10,130 में 2,240 पर 6 कैंसलेशन हुए थे। उसके अंदर कैंसलेशन होने की वजह से खाली 940 पर 4 बचे अभी। तो हमने आज कमिटी ऑफ इंडिया के लिए हमने अपील कर दिया कि एडिशनल हमारे को 940 कोटा देंगे तो हमारे तमाम महाजन जाने जैसा होता करके वो लोग 100% कोशिश करके देते करके वादा किए। इस बार अगर 940 हमारे को मिल गया तो तमाम जाजो इकराम इधर से रवाना होंगे करके। सबसे पहले मैं जो भी जाजो इकराम जो हज के रवाना हुए उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। इस बार जो कर्नाटका का जो कोटा था, कर्नाटका 13,318 हमारा अप्लीकेशन आए हुए थे। हमारे को कर्नाटका को इस बार कोटा जो है 10,132 कोटा मिला था। मैंने पिछली बार कंपेयर करेंगे तो 7,130 का कोटा था। इस बार यानी बढ़ के मिला, लगभग 2,700 तक लगभग बढ़ के मिला है। तो उसके अंदर अभी बचे हुए 3,180 पर 6, उसमें 2,240 पर 6 कैंसलेशन हुए होने की वजह से खाली 940 बचे हुए हैं। इसके अंदर जो एप्लीकेशन आए थे उसके अंदर तो हमने हज कमिटी ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट भी किया है कि हमारे को एडिशनल कोटा दो करके रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने वादा किया है, हमने एडिशनल कोटा देते करके आज वादा किया। आज पहली फ्लाइट रवानगी हुई है। आज हमारी कर्नाटका के मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम में शरीक होने का था। कभी भी सिद्धरामैया जब थी 2013 से लेके 2018 तक जब मुख्यमंत्री थे, कभी भी हज इनॉग्रेशन कभी नहीं उन्होंने मिस नहीं किया। उसके साथ में जब जब खुर्रा हुआ वो खुर्रे के लिए भी हाजिर हुआ करते थे। इस बार इलेक्शन होने की, कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से हमने इलेक्शन कमीशन को परमिशन के लिए मांगा था कि कल इलेक्शन सेकेंड फेज जो है कल खत्म हो गया 7 तारीख को। तो हमने इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन के लिए डाला था, परमिशन उन्होंने मना कर दिया, नहीं परमिशन देने को नहीं होता। उस वजह से हमारे स्टेट के हमारे मुसलमानों को चाहते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब ये फंक्शन में आ नहीं सके। उन्होंने आवाम से माफी मांगते हुए उन्होंने एक दुआ की दरख्वास्त करते हुए और हज की मुबारकबादी ने मुख्यमंत्री ने दिया है। हर साल जैसे लंगर लगता था इस बार भी वैसे ही लंगर लगा है। जो भी हाजियों के साथ आते हैं, जो हाजियों का जो खाने का इंतजाम होता है बाकायदा इधर हज कमिटी से कराया जाता है। जो हाजियों को जो छोड़ने के लिए आते हैं उनके साथ में कोई भी एक हाजी को छोड़ने के लिए 8-10 जन आते हैं तो उनका खाने का इंतजाम इधर नहीं हुआ करता था। तो ये हज कमेटी के सराउंडिंग के अंदर इतना होटल ठीक ना होने की वजह से हमने बहुत सालों से जो लंगर के नाम से हम लोग लगाया जाता था, इस बार भी वो लंगर लगाया गया है। मेरे ख्याल से रोज से सवेरे नाश्ते का लेके दोपहर का खाने का रात का खाने का मिला के 3 रोज भी एक 25 से 30 हजार आदमी खाना खाते, तो वो कंटिन्यू लंगर इस बार भी लगाया जाए। नहीं, हर एक के लिए हटे खाना रहना हर तरीके की सहूलत आ गई है। जो हाजियों जो है कैंप में रहते हैं, जो उनके साथ जो छोड़ने के लिए उनको आते हैं, जो मेहमान बोलते हैं उनको उनको अलग बाजू में हमारे मरहूम जाफर शरीफ साहब की जगह के अंदर उनको अलग, लेडीज के लिए अलग इंतजाम किया है, जेंट्स के लिए अलग इंतजाम किया है, मस्जिद का अलग इंतजाम, लेडीज को अलग मस्जिद का इंतजाम किया है, जेंट्स को अलग मस्जिद का इंतजाम किया है, टॉयलेट बाथरूम का भी अलग लेडीज और जेंट्स को दोनों करके वजू खाना सब अलग ही इंतजाम कराया गया।